भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और साथ ही तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पार्टी की कार्यशाला हो चुकी है और आज बलरामपुर जनपद की कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में इस बात योजना बनेगी कि किस प्रकार से जनपद के प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक पूर्वे में, प्रत्येक नगरी क्षेत्र के वार्डों में हर घर पर तिरंगा लगे, इसकी रणनीति बनेगी, इसकी योजना रचना बनेगी। और इस अभियान में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, सहभाग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी पूरे मनोयोग से इस अभियान को सफल बनाने में विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी सहयोग और सहभाग कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बलरामपुर जनपद में जैसे अन्य कार्यक्रम बहुत सफल होते हैं, जैसे तिरंगा यात्रा पिछले वर्ष बहुत अच्छी हुई थी, उसी प्रकार से इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा लगाने का अभियान बहुत ही सफल होगा और बहुत ही अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। तो वैसा अभी आपने बांग्लादेश का नाम लिया है, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा है, आपकी पार्टी कई नेता कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, क्या टिप्पणी? हिंदू हिंदुस्तान से बाहर चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ जो है प्रताड़ित होता रहा है। जिस समय देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में 20% से अधिक, शायद 22-23% जनसंख्या हिंदुओं की थी, लेकिन वह संख्या घट के बहुत कम हो गई है। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान का असर पड़ा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां की सरकार से उन्होंने संवाद किया और सरकार का ये दबाव था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार रुका था, कम हुआ था, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इस साजिश में कहीं ना कहीं भारत विरोधी शक्तियां भी शामिल हैं और इसलिए जो है कि जो एक स्वाभाविक परिणति उसकी होगी कि जो भी वहां हिंदू हैं उनके साथ अत्याचार, वहां के जो लोग, क्योंकि जो अभी प्रधानमंत्री जिनको अपदस्थ किया है शेख हसीना जी, उन्होंने बहुत दबाव बना के कट्टरपंथियों को के ऊपर रखा था, लेकिन अब वह दबाव कम हुआ है। तो फिर भी सरकार नज़र बनाए हुए है और सरकार लगातार वहाँ जो मिलिट्री के हाथ में इस समय पावर है उनको मैसेज देने का और दबाव बनाने का प्रयास कर रही है कि वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार न हो। ये बात बहुत अच्छी है। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 हर घर, हर घर का जनपद में घर जितने भी हैं, कितने घर आप ढूंढ के बताइएगा हमको। हम तो ये बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हर घर पर लगे, वो सब ससुर नाम ये है कि सब अपने अपने पैसे से लगा रहे हैं। नहीं नहीं, पहला रूप है कि सरकार व्यवस्था कर रही है कि जो है जनप्रतिनिधि लोग सहयोग समाज से ले रहे हैं, हम लोग भी समाज से सहयोग ले रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं से ले रहे हैं बहुत। और जिन लोगों को तिरंगा से दिन भर में जिसका कम से कम खर्चा होगा, घर से निकलेगा मोटरसाइकिल में तेल भराएगा तो उसका 100-200 रुपया खर्च होगा, तो 20 रुपया घंटा भी खर्च कर देगा। लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको ना हो तो लोग प्रसन्न है, लगाना चाहते हैं आपसे। इसलिए कितना बड़ा आपका प्रोग्राम है जो कम से कम 7 दिन के लिए चलेगा, तो एक लक्ष्य होना चाहिए सभी हर घर का लक्ष्य है, प्रयास होगा कि सभी घरों तक पूरे किया जाए।